जमात इस्लामी हिंद ने कुल हिंद सतह पर एक कैंपेन शुरू कर रही है औरतों के लिए, खातिन के लिए, वुमेन के लिए, जिसका नाम रखा गया है मोरेटी इज फ्रीडम, यानी अखलाकी आज़ादी के अनवान से एक कैंपेन शुरू करने जा रही है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। इस कैंपेन के लिए आज कलकत्ता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के कुल हिंद सेक्रेटरी फॉर वुमेन रहमतुन्नी निसा, स्टेट सेक्रेटरी मंजूरा खातून, कैंपेन के इंचार्ज वेस्ट बंगाल डॉक्टर सबा ताज के अलावा जमात इस्लामी मगरब बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर मसीहुर रहमान, शदाब मासूम, मोहम्मद मसीहुर रहमान समेत दीगर लोग मौजूद थे और इस मुहिम के तल्लुक से, इस कैंपेन के तल्लुक से अपनी बातें रखी। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज 18, कोलकाता। अनवान से इसमें आप समाज को या और ख़ास तौर से खातिन को क्या पैगाम देना चाहती हैं इस कैंपेन के दौरान? देखिए, ये कैंपेन जो है एक कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट पे लॉन्च किया जा रहा है वो है मॉरेलिटी इज फ्रीडम। आज हमारे समाज में, हिंदुस्तानी समाज में जो तरह तरह के आइडियोलॉजीज हैं जो आज़ादी को अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं, इनका कहना है कि आज़ादी का असली मायने ये है कि वो हर तरह के हदूद से, हर तरह की पाबंदियों से आज़ाद, मॉरल वैल्यूज से भी आज़ाद। तो इस तरह की बेलगाम आज़ादी की वजह से हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में जिस तरह की बुराइयाँ फैल रही हैं, जिस तरह से हमारे नौजवान नस्ल बर्बाद हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस कैंपेन के ज़रिए ना केवल लोगों को हम लोग अवेयर करें इसके लिए, इसके रूट कॉजेज़ की वजह के लिए, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों को इसके रूट कॉज की तरफ तवज्जो दिलाएं, लोगों के इसके असल वजह पे हम लोग लोगों को इस पर एकजुट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस मुहिम के ज़रिए, इस कैंपेन के ज़रिए हम लोग समाज में एक बेहतर चेंज करें, एक अच्छा समाज इसको बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारा स्टेटस ऑलरेडी आ चुका है ऑल इंडिया लेवल में भी और यहाँ वेस्ट बंगाल का हमारा लीडर्स है ऑलरेडी अपना स्टेटमेंट दे चुका है, फिर भी दो बार मैं रिपीट कर रही हूँ। ये वाकिया कारोबार, दे हैव टू स्पीड अप विद द इंक्वायरी और द प्रोसीजर जल्दी करना है। जो अफेक्टेड, जो अक्यूज्ड है, जो जिन्होंने ये काम किया, whoever has done the crime, they should be immediately arrested and they should be given a punishment which will be a model for others. So punishment मिलना है, जिन्होंने ये काम किया उनको मिलना है। अब justice के बाद justice नहीं मिलेगा, ये जिंदगी को ही खत्म किया। And whatever you do, the family will not get justice. That may be in the hereafter terminate, but not in this world. But whatever could be done, whatever is humanly possible, whatever based on the law and order of the country is possible, that should be done quickly without any delay. And we are with the affected family, the girl's family. ये सब चीज ये सिर्फ एक सरकार का प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग जिम्मेदार है। हमारा सोसाइटी, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा मीडिया, मीडिया के जरिए जिस तरह पोर्नोग्राफिक लिटरेचर फैल रहे हैं, वीडियोस फैल रहे हैं, ये ड्रग्स जिस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आम हो रहा है, सब चीज हम सब रेस्पॉन्सिबल है, पूरा समाज, पूरा कंट्री रेस्पॉन्सिबल है। जमात इस्लामी अपने तरीके में क्या करना है वो कर चुका है, वो करते रहते हैं। अभी हमने इसको लेकर सिर्फ आरसी का प्रॉब्लम नहीं, हर जगह इस तरह क्या हो रहा है, सिम्टम तो नहीं, रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर सर पे हेडेक है, सिर्फ वहाँ ऑइंटमेंट डालने में कोई फर्क नहीं होगा, दूसरे जगह में पेन शुरू होगी, तो पूरे बॉडी में, पूरा समाज का बॉडी में क्या बुराई है, क्या प्रॉब्लम है अंदर ही अंदर, उसको एड्रेस करके हम ये कैंपेन शुरू होगा। रूट कॉज ये है डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज। तो अभी मॉरल वैल्यूज को लेकर क्या है, मॉरल असल मॉरल वैल्यूज क्या है, वो कैसे हम जिंदगी में अप्लाई कर सकता है, वो
वो अप्ले करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो देखकर हमारा नौजवान को हर जगह में सबको एजुकेट करना है। और दूसरी बात यह है, आजकल फैमिली एज ए सिस्टम, जहां से फैमिली के अंदर से ही लोगों को तरबियत मिलते हैं, एजुकेशन मिलते हैं, कैसे अपने माँ जैसे हर एक एल्डरली खवाती को, खातून को कैसे आप रेस्पेक्ट करना है। अगर सड़क पे एक एल्डरली वुमन अकेले है, वो आपको देखकर उनके अंदर प्रोटेक्शन का फीलिंग होना चाहिए, डर नहीं, हॉफ नहीं। और जिस तरह आप अपने सिस्टर को अपना सिस्टर समझकर ट्रीट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह सड़क में अकेले रात के अंधेरे में एक लड़की को आप देख लिया है, तो उनके अंदर हॉफ नहीं, उनके अंदर फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन पैदा करने का काम रवैया आप इस्तेमाल करना है। उसके लिए फैमिली एज ए सिस्टम रहना है, उसको बेहतर अंदाज में आगे बढ़ना है, फैमिली वैल्यूज को, फैमिली रिलेशंस को मजबूत करना है। वी हैव टू स्ट्रेंथन फैमिली एज ए सिस्टम, बिकॉज नेचुरल, दैट इज अ नेचुरल वे टू एजुकेट पीपल। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी विच इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुडा हिमसेल्फ। देखिए, मैंने ऑलरेडी कर चुका है सिलेक्टेड साइलेंस और सिलेक्टेड रेस्पॉन्स के बारे में। जब ब्रिटिश वालों के ऊपर ये हमला हुआ, अभी तक उनके लिए इस तरह का लोग आवाज नहीं उठाया, ये अलग बात है। उन लोगों ने क्रिमिनल्स को गालत डाल के लिखाए, हाँ, तो ये हमारा पूरा सोसाइटी में जो कुछ लोग प्रिविलेज, कुछ लोग ऐसा, कास्ट सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, ये सब का असर है। तो मैं किसी एक पार्टी को लेकर ये कमेंट नहीं कर रही हूँ। अगर अभी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा है, उस लड़की को, उस लड़की के माँ बाप को जस्टिस मिलना है, हम उसके साथ है, लेकिन ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, चाहे मीडिया चाहे पॉलिटिकल पार्टीज। मैडम, ये कंप्लेन कब से शुरू हो रहा है, कहां से शुरू हो रहा है? कल से, कैमेक टुमारो ऑनवर्ड, सितंबर 1st टू 30, पूरा एक महीने पूरे मुल्क में, ऑल इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल में प्रोग्राम्स है, स्टेट लेवल में प्रोग्राम्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रोग्राम्स है, ग्रास रूट लेवल में प्रोग्राम्स है, और कैंपस में, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज में, और सिलेक्टेड लोगों को बुलाकर राउंड टेबल डिस्कशन, डिबेट, सेमिनार्स वगैरह भी है। और इस कैंपेन के बाद एज अ नतीजा जो हमारा फाइंडिंग्स है उसको लेकर हम और आगे जो काम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए करना है उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के किस जगहों से, किस जगहों से है उसके बारे में हमारा स्टेट लेकर, विशिष्ट इस्लामी थिंकर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब को प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आज में, एछाड़ा अन्य व्यक्तिरा थकबें कलकता अपना देख तो विशिष्ट व्यक्तिरा तारा अपना एखे प्रोग्राम थकबें स्टेट लेवल प्रोग्राम। एर पर राज्य अंतर्गत समस्त जिलागुल आज আমাদের প্রায় ধরুন 22টা জেলায় আমাদের কাজ আছে। এই সমস্ত জেলায় আমাদের প্রোগ্রাম, র্যালি, ট্যাবলো বেরোবে, আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে, সিম্পোজিয়াম হবে, সেমিনার হবে, বিভিন্ন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রোগ্রাম হবে, কর্নার মিটিং হবে, মহিলা কনভেনশন হবে, পাবলিক মিটিং হবে, জুমার খুতবা, জুমায় ভাষণ দেওয়া হবে, এবং পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বই, পত্র যা কিছু আমরা পাবলিশ করছি মাসখানেক আমরা ডিস্ট্রিবিউট করব, ওরও প্রোগ্রাম হবে। আমাদের যে শাখা সংগঠন আছে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া, তারাই প্রোগ্রাম করে অ্যারেঞ্জ করবেন। আমাদের গার্লস ইসলামিক অর্গানাইজেশন আছে GIO, তারা প্রোগ্রাম করবেন। আমাদের শিক্ষক সংগঠন আছে, মানে আমাদের সঙ্গে রয়েছে আইটা, অল ইন্ডিয়া আইডিয়াল টিচার অ্যাসোসিয়েশন, তারা প্রোগ্রাম করবেন।
আমাদের উইমেন যে ডিপার্টমেন্ট আছে, মহিলা শাখা আছে, তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম করবেন। এখন ওয়েলফেয়ার টু প্রোগ্রাম আমাদের চট আউট হয়ে গেছে, প্রোগ্রাম হতে থাকবে।